Hello friend, today we will discuss about the topic differentiability. In the last lecture we have discussed about the continuity. So today we will start with the differentiability. What is differentiability? अगर कोई function continuous है तो उसको हम लोग differentiate कर सकते हैं या नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, differentiability निकालते हैं. मतलब कोई function differentiable होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग differentiability का use करते हैं. फिलहाल मैंने direct formula लिखे क्योंकि देखा जाए तो इसका बेसिक बहुत होता है और वो बेसिक मैं आपको फिजिकली बता सकता हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा वैसे फिजिकली आपको बता पाना कि मतलब किस प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी निकाली जाती है या एक्चुअल में ये फॉर्मूले मैंने कहाँ से लिखे. तो जब भी अपना मिलना होगा या आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो जब आप मुझसे मिलना आएंगे तब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है या किस प्रकार से निकाली जाती है. फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके उतना मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूटी निकालते थे, तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना होता था, एलएचएल निकालना होता था, आरएचएल निकालना होता था, और फिर उन तीनों को हम लोग देखते थे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं आरएचडी और निकालते हैं एलएचडी. आरएचडी मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, अगर किसी फंक्शन के लिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाते. तो देखिए अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अपन स्टार्ट करते हैं. देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट द एक्स इक्वल टू फाइव. मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, एलएचडी निकालना होती है और आरएचडी निकालना होती है, और दोनों आपस में इक्वल आ गए तो क्या कहलाएंगे, डिफरेंशिएबल, और वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या कहलाएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल. तो अपन सबसे पहले एलएचडी की बात करते हैं. एलएचडी निकालना है मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में यहां पे कितना आ जाएगा एच माइनस का. तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा है. मतलब देखा जाए तो ये क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, ये पूरा ग्राफ से बनता है. तो वो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए और आपका फिजिकल एक अटैचमेंट चाहिए ताकि मैं आपको वो चीजें बता सकूं. तो आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा. और मैंने कुछ और भी टॉपिक है जो सोच रखे हैं कि कभी आप लोग जब अपना मिलना होगा तो उन टॉपिक को मैं आपको ऑन बोर्ड उसी समय बताऊंगा. अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं. तो ये लिमिट के लिए मेरे पास एलएचडी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सी क्या है. तो सी जो यहाँ पर एक्स है वही हमारा क्या होता है, सी होता है. तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ फाइव माइनस एच माइनस एफ ऑफ फाइव एंड दिस इज माइनस एच. क्लियर है, मतलब इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सी. जो यहाँ पे फॉर्मूले में सी लिखा है वो क्या होगा, जो जिसके ऊपर हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है वही हमारा सी हो जाएगा. अब फंक्शन एफ ऑफ फाइव माइनस एच मतलब इस वैल्यू को मुझे क्या रखना है, ये फंक्शन है यहाँ पे फाइव माइनस एच रखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ फाइव माइनस एच, ये जो था ये एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस फाइव, ये माइनस फाइव एज इट इज आ गया माइनस एफ ऑफ फाइव. एफ ऑफ फाइव मतलब अब इस फंक्शन में मुझे क्या रखना है, जहां जहां एच से वहां पे फाइव रखना है, मॉड ऑफ फाइव माइनस फाइव एंड अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो दिस विल बी कैंसल. माइनस एच का क्या हो जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, ये तो जीरो हो जाएगा अपॉन में माइनस एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन माइनस एच एंड दिस विल बी कैंसल दैट इज माइनस वन. अब ये तो मेरा हुआ एलएचडी, अब अपन निकालते हैं आरएचडी. तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं. आरएचडी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स, सॉरी यहाँ पे एच आएगा
h tending to 0, f of c plus h minus f of c upon में h, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा ताकि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब मैंने अभी कहा कि c की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, सो वी कैन पुट लिमिट h tending to 0 f of 5 plus h माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन में h, क्लियर। इस प्रकार से आप लोगों ने क्या कर दिया, c की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू कहां रखेगी इस फंक्शन में, सो दिस विल बी 5 प्लस h माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 अपॉन h, ये दोनों कैंसिल, वो 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 0 अपॉन h, मॉड ऑफ h कितना होता है, प्लस का h हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h एंड दिस इज 1, तो यहां पे मुझे कितना मिलेगा, 1। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहां पे माइनस 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें LHD निकालना है, RHD निकालना है, और LHD RHD निकालने के बाद हमें देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है, और नहीं आ रहे हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ईजी है, करने का तरीका भी वही जैसा हमने कंटिन्यूटी में किया था, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। इवन फॉर्मूला भी सेम है, यहां पर जब आप एलएचडी कर रहे हो तो माइनस एच आ रहा है, प्लस एच और प्लस एच आ रहा है, ये डिफरेंस है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है और क्वेश्चन को करना है, तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट इस क्वेश्चन, जो लॉजिक हमने यहां लगाया है वही लॉजिक सब जगह लगेगा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें फॉर्मूले मिटाए नहीं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले भी यही लगना है, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे एलएचडी और आरएचडी निकालना, मुझे चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट एलएचडी निकालेंगे और सीधे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, और दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है, ये थोड़ा सा सोचने वाला मैटर है यहाँ पे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है, 2 से छोटा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस एच मतलब क्या हो गया, फंक्शन 2 से छोटा है। तो जब फंक्शन 2 से छोटा है तो ऑब्वियसली कि हमें ऊपर वाला यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 प्लस इस एक्स की जगह पे लिख देंगे 2 माइनस एच, ठीक है। और एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 कहां पे आ रही है, इस फंक्शन में आ रही है, तो यहां पे भी हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 अपॉन यहां आ जाएगा माइनस एच। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल, माइनस से कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मतलब ये आ जाएगा कितना, 1। अब हम लोग बात करते हैं आरएचडी की, तो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच मतलब f ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, मतलब अभी भी लिखना वही है, फॉर्मूला सेम है, बस आपको उसको सॉल्व करना है। अब यहां पर हमें यह सोचना है कि फंक्शन हम लोग कौन सा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे फंक्शन हमें अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या है। तो देखिए यहां पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस एच मतलब 2 से एच की, मतलब एच का मतलब आपको पता है बहुत माइनर सी वैल्यू, तो यहां पर 2 से बड़ी है वैल्यू, भले माइनर सी है लेकिन बड़ी तो है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे जिसमें x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी इस फंक्शन में आ रही है, मतलब 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा,
फाइव माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू प्लस एच, टू प्लस एच माइनस। अब यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू मतलब यहां पे वापस एक्स की वैल्यू कितनी है, टू है, तो एक्स की वैल्यू टू, तो यहां पर मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, ये आ जाएगा वन प्लस टू अपॉन में एच। अब देखिए यहां पे हमने जब इसको क्वेश्चन को किया तो दोनों जगह सेम फंक्शन यूज हुआ, और जब ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो आगे की तरफ ये फंक्शन यूज हो रहा है और पीछे की तरफ ये फंक्शन यूज हो रहा है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अगर इसी तरीके से आपने इसको फोकस करके क्वेश्चन को किया तो आराम से हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा फाइव माइनस टू माइनस एच माइनस थ्री अपॉन में एच, ये टर्म इस थ्री से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री थ्री हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, हमें क्या देंगे माइनस वन। अब यहां पर फिर वही प्रॉब्लम कि ये वन आ रहा है और ये माइनस वन आ रहा है, मतलब इसमें से एक वैल्यू तो प्लस की वन है और एक माइनस की वन है, तो सीधी सी बात है कि फंक्शन कंटिन्यू सॉरी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एलएसडी और आरएसडी के आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब बंद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहां पर फिर से मुझे डिफरेंशिएबिलिटी पता करना है एक्स इक्वल टू वन, और मेरे पास फिर से दो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पता करने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपको एलएसडी और आरएसडी का फॉर्मूला यूज करना है और हमारा क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले एलएसडी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एलएसडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पे हमें सी का काम कौन करेगा, अगेन वन करेगा, तो यहां आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच माइनस का। अब फिर से वही बात है कि आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब क्या है कि वैल्यू वन से छोटी है। अब जब वैल्यू वन से छोटी है तो कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होना चाहिए, और ये वाला फंक्शन यूज करेंगे मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पर आ जाएगा वन माइनस एच मतलब वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन, एक्स की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली वन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक गड़बड़ है, एक्स की वैल्यू वन यहां पे भी है और एक्स की वैल्यू वन यहां पर भी है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि मुझे एफ ऑफ वन यूज करना है और एफ ऑफ वन के लिए मुझे यहां पे क्या बताना है, एक्स की वैल्यू वन यहां पर होगी मुझे वो वैल्यू लेना पड़ेगी, तो अगर मैं वन यहां रखू तब भी मुझे टू मिल रहा है, मैं वन यहां रखू तब भी मुझे टू मिल रहा है, अगर ये एक्स वैल्यू वन के इक्वल है और ये भी एक्स वैल्यू वन के इक्वल है और यहां पे दोनों में एक्स की वैल्यू रखने पर अगर अलग 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 वैल्यू मिल रही होती तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो सीधी सी बात है आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, यहां आप चाहे तो यारा फंक्शन यूज कर ले, आप चाहे तो यारा फंक्शन यूज कर ले, दोनों केस में आपकी एक्स की वैल्यू वन रखने पर आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऊपर वाले फंक्शन यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहां तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको होल स्क्वायर खोलने के बजाय एच को लिमिट रख देते हैं, और एच की लिमिट रख देंगे तो जल्दी हमारा आंसर भी आ जाएगा, वन प्लस वन माइनस टू अपॉन माइनस एच। लेकिन देखिए अब अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दी तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जीरो और नीचे हो जाएगा जीरो, मतलब जीरो पॉइंट जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, यहां पर हम लोग इसको प्रॉपर देखे तो सॉल्व ही करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन माइनस टू, टू वन और वन कैंसिल अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब समझना है एच का क्या रोल है, अगर मैंने यही पे डायरेक्ट एच के लिए रख दी होती तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से हम लोग क्या करेंगे ऊपर से एच कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा एच माइनस टू अपॉन में एच माइनस का, ये दोनों कैंसिल, अब लिमिट रख देते हैं,
3 आ जाएगा प्लस का 2 मतलब मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। अब मुझे क्या निकालना है यहां से, आरएचडी निकालना है। तो आरएचडी लिखते हैं फॉर्मूला, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच लिमिट। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आप लोगों को भी क्लियर होगा। एफ ऑफ सी की जगह कितना जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, क्लियर। इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये 1 प्लस एच मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी वैल्यू कहां पर है यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस, और यहां पे एक्स इक्वल टू 1 के लिए हम लोग, मैंने भी आपको बताया कि कोई सा भी फंक्शन यूज कर लीजिए, हम 3 माइनस एक्स मतलब नीचे वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच, ये 2 से ये 3 माइनस 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल मतलब यहां आ जाएगा माइनस 1, मतलब ये भी फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब आज तो अपन ने जितने क्वेश्चन किए कोई भी डिफरेंशिएबल अभी तक तो नहीं निकला है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मेरे पास 3 फंक्शन गिवन है, उनके करस्पॉन्डिंग कंडीशन गिवन है, और मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया कि एट एक्स इक्वल टू 2 पर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको यहां पर x लेस देन 1 के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा इन दोनों से ही काम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैं यहां पे LSD निकालता हूं, और LSD निकालने के लिए अपन पहले फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस सॉरी f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहां पे क्या होगा c माइनस एच, सी की जगह कितना आएगा 2, तो वी कैन राइट 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में माइनस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच मीन्स व्हाट, यहां पर x की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी है, तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो वी कैन राइट 2 माइनस 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, तो एग्जैक्टली 2 कहां पे है यहीं पर है, अभी भी 2 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 प्लस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल, एच अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन माइनस एच एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल, देन वी गेट माइनस 1। नाउ वी विल फाइंड आर एच डी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला लिखा अपन ने, और सेम प्रोसेस है हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 एंड अपॉन एच। एफ ऑफ 2 प्लस एच मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी मतलब ये वाला फंक्शन आना चाहिए, तो हम लोग यहां लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2 प्लस 3, एक्स की जगह पे कितना आएगा 2 प्लस एच आएगा, तो यहां 2 प्लस एच लिख देते हैं, माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ 2 मतलब एक्स के वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, मतलब ये वाला फंक्शन आएगा 2 माइनस 2 सॉरी यहां पे केवल 2 आ जाएगा अपॉन में एच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करना भी आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू 0
-2 + 6 + 3h - 4 - h² - 4h - 0 / h। अब मैंने इसका होल स्क्वायर खोला और हाथों हाथ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन राइट लिमिट h टेंड टू 0, 6 माइनस 4 माइनस 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3h माइनस 4h कितना हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर माइनस का h अपॉन h। अब मैं यहां से h कॉमन ले सकता हूं, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h कॉमन लिया h प्लस 1 अपॉन h ये कैंसिल, h की जगह 0 रखा देन वी गेट -1। फाइनली हमें LHD और RHD दोनों -1 मिले, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन क्या होंगे डिफरेंशिएबल होंगे क्योंकि हमने पढ़ा था कि LHD इक्वल टू RHD अगर है तो फंक्शन क्या कहलाता है डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएंगे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे और फाइनली हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा निकला जो कि डिफरेंशिएबल है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर लगता है कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे या आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं आपको उसको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के फिर से भेज दूंगा या आप मुझे डाउट्स लिख के भेज दीजिए तो मैं उनके वीडियो बना के पर्सनली आपको भी सेंड कर सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। या आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में जो बताया वही मेथड आपको सारे क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करिए, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे मिल लीजिए, मुझसे आप फोन पर बात कर सकते हैं, स्कूल में आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है और आपको अब मतलब चैप्टर में ही कब से फिनिश हुआ है अब आपको करना है तो आप लोग करिए और कुछ प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिए। आज के लिए हम इतने रखते हैं, अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे और डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो 11th क्लास में डिफ्रेंसिएशन पढ़ा हुआ है वो डिफ्रेंसिएशन एक बार वापस से करिए क्योंकि उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड रूल लगता है, फॉर्मूले होते हैं, बच्चों को याद नहीं होते हैं और फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो वो चैप्टर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप लोग उन चैप्टर्स के लिए एक बार 11th का डिफरेंशिएशन वापस से पढ़िए, फॉर्मूले याद करिए, डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल को पढ़िए, उसके बाद जो पोर्शन है वो हमारे 12th में है वो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए मैं इतने रखते हैं, थैंक यू।